नमस्ते फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखो फैमिलीज़, मॉर्निंग में जैसे उठी तो बारिश हो रही थी, और ये था जिसमें हमने फ़िश रखी हुई थी, इसमें मैंने मनी प्लांट है जो वो लगा दिया है। और सुबह सुबह उठ के ही जब जैसे बाहर निकली तो एकदम से बारिश हो रही थी, तो अभी तो ज़्यादा नहीं हो रही, बिल्कुल थोड़ी हल्की सी बूंदाबांदी है जो वो शुरू हो गई है। और मेरे को अभी करना है मुस्कान का टिफ़िन रेडी, और अभी समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर मैं आ गई अपनी इधर। भिंडी लगी हुई थी थोड़ी बहुत ही, मैंने सोचा चलिए वही तोड़ लेती हूँ। तो अभी और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था बनाने के लिए, इतनी तो लगी हुई है कि मुस्कान का टिफ़िन है जो वो बन जाएगा। ये देखो लगी हुई है यहाँ पर, अभी इनको मैं तोड़ लेती हूँ। ये देखो इतनी सारी है, मुस्कान के लिए बन जाएगी। इसमें प्याज़ और टमाटर वगैरह मैं डालूँगी तो आराम से उसका टिफ़िन है जो बन जाएगा। मौसम है जो बहुत अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, बस ज़्यादा ना पड़े क्योंकि छोड़ने भी जाना है उसको। और इसके बाद फिर मैंने इसका टिफ़िन वगैरह था जो रेडी कर दिया है। ये देखो सब्ज़ी मैंने अभी बंद नहीं की गई कि गर्म थी, ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। और ये डिब्बा नीचे गिर गया था, अभी मैंने इसको उठाया है। इसमें मेरे को ड्राई फ्रूट वगैरह डालना था, और सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी हैं। अभी आ जाती है इसकी चोटी बनाने की बात, अभी बनाती हूँ जल्दी जल्दी से इसके बाल। और सुबह सुबह का ये डेली का ही काम है, फटाफट से इसकी जो चोटी बना के इसको मेरे को छोड़ने जाना है। और बाकी काम है जो वो मैं आके करूँगी। आज मेरे को किचन वगैरह जो अपना वो भी अच्छे से साफ़ करना है। और देखो ये रेडी हो चुकी है, और चलिए अभी इसको छोड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको छोड़ के आती हूँ, फिर आके जो रूम फैला हुआ है इसको समेटती हूँ। और बारिश हो रही है, अभी बारिश में ही जाना पड़ेगा इसको छोड़ने के लिए। आती हूँ मैं इसको छोड़ के आ गई थी फ्रेंड्स। आके फिर ये बेडशीट वगैरह थी, इसको मैंने सोचा चलिए झाड़ती हूँ। और सबसे पहले रूम की ही मैंने अच्छे तरह से सफाई की, और कपड़े वगैरह चेंज करने पड़े क्योंकि बारिश थी, भीग गए थे। और फिर उसके बाद से फटाफट से फिर मैं लगाने लग गई झाड़ू। अंदर अंदर का ही करूँगी, बाहर का भी मौसम ख़राब था इसलिए बाहर का मैं फिर बाद में देखूँगी, अगर बारिश नहीं आएगी तो फिर बाहर का करूँगी। चलिए पहले जल्दी जल्दी से कर लेते हैं झाड़ू पोछा, फिर चलते हैं किचन में, फिर करेंगे हम किचन का काम। फैमिलीज़, अभी मैं किचन की जो डीप क्लीनिंग है वो करने जा रही हूँ। ये जो कपड़ वगैरह ना ऊपर वाले, ये मैंने डिब्बे वगैरह इधर निकाल दिए हैं, मैं इसको अभी साफ़ करूँगी। ऊपर से निकालने हैं मैंने डब्बे, यहाँ रखे हैं जो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए वो अभी मैं किचन से निकाल दूँगी। बाकी यहाँ पे पेपर वगैरह बिछा रखा था वो ख़राब हो गया है, अभी दूसरा पेपर है वो बिछाऊँगी अभी मैं इधर। और इधर मेरे चावल वगैरह भी बन रहे हैं, इधर मैं डब्बे वगैरह जो है वो क्लीन करने लगी हूँ। देखो अभी मैंने ये वाले जो कवर है ये बिछा दिए, जो मैंने बाहर उधर बिछाए हुए थे ना क्वार्टर के अंदर, वो मैं ले आई थी घर में, वहाँ किचन में मैंने यही बिछाए थे, अभी मैंने यहाँ बिछा दिए हैं। जो न्यूज़पेपर है वो फट जाता है, लेकिन देखो मैंने पूरे अच्छे से क्लीन करके इसको रख दिया है। साथ साथ में जो खाना है वो भी मेरा बन रहा है। इतनी देर में गली में सब्जी वाला आ गया, तो फिर मैं चली गई सब्ज़ी लेने के लिए। ये देखो भिंडी, टमाटर, लौकी, और ये सेब लेके आई हूँ, ये ग्रीन वाले जो एप्पल है वो है, और इसमें मिर्ची वगैरह भी है, और खीरे भी लेके आई हूँ। चलिए साथ साथ में मैं अपना जो काम है वो भी करती हूँ। इसके बाद बैंगन और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मैंने बैंगन और आलू ले लिए हैं। चलिए फटाफट से इनको मैं कट करती हूँ, और कट करने के बाद इनको बनाते हैं। सब्ज़ियाँ तो वैसे और भी लेके आई हूँ पर आज यही बनाऊँगी, और साथ में जो है वो मैंने चावल वगैरह रख लिए हैं। ये इधर मैंने रख दिया कढ़ाई, ये कढ़ाई में जो है वो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और प्याज अदरक वगैरह जो है वो मैंने कट करके इधर रख लिया है, अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था। और हरी मिर्ची है, ये टमाटर है ये भी डालूंगी। और दूध था जो मैं सुबह लाई थी उसको भी मैंने गर्म करके रख लिया है। जो किचन था, किचन के मैंने ऊपर वाले कबर्ड साफ़ किए हैं, नीचे वाले मैं नहीं कर पाई क्योंकि खाना भी बनाना है, बाकी काम भी करना है, फिर उसको लेने जाना था, इसलिए आधा किचन साफ़ हुआ है, बाकी वाला है जो वो मैं बाद में साफ़ करूँगी। अभी फटाफट से खाना है जो वो भी रेडी कर लेती हूँ। और इधर कढ़ाई रखने के बाद जो मैंने इसमें जीरा वगैरह था वो डाल दिया है। अब जीरा जो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं
इसमें जो प्याज और अदरक रखा हुआ है कट करके वो डाल दूंगी। ये देखो डाल दिया मैंने। चलिए अभी करते हैं इसको अच्छे से मिक्स और इसको हल्का सा ब्राउन होने तक पकाते हैं। और साथ साथ क्योंकि खाना बनाना भी ज़रूरी है इसलिए मैंने सोचा चलिए पहले खाना बना लेती हूँ, जो किचन मेरा रह गया है उसको बाकी का मैं बाद में है जो वो कर लूँगी। फिर बाद में छुट्टी वाले दिन जो है वो आराम से काम हो जाता है, फिर जाने की जल्दी नहीं होती। तो अभी मेरे को जाने की जल्दी भी है तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए छोड़ देती हूँ। ऊपर वाले सारे ही कपड़े मेरे जो है वो मैं साफ़ कर चुकी हूँ। अभी इधर मेरा जो मसाला है वो भी पक चुका है। अभी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ नमक, मिर्ची, हल्दी, नॉर्मल से स्पाइसेस है जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इनको ऐड करने के बाद भी मैं थोड़ी देर के लिए इनको पकाऊँगी। और इसके बाद मैंने बैंगन डाल दिए, आलू डाल दिए, इसको मिक्स करके हल्का सा मैंने पानी डाल दिया। पानी अपने हिसाब से डाल सकते हो। फाइनली फ्रेंड्स मैं नहा के आ चुकी हूँ, अभी मैं रेडी होने लगी हूँ। खाना वगैरह बना लिया फ्रेंड्स, सारे काम है जो वो मेरे हो चुके हैं। चलिए अभी टाइम हो गया है उसको लेके आने का, अभी चलते हैं। और आते टाइम मैं जो है वो शॉपिंग भी करूँगी। और इसके बाद फ्रेंड्स हम आ गए शॉप पे, क्योंकि मेरे को राखियाँ लेनी थी। पहले भी आई थी मैं एक दिन, तब इतनी सारी राखियाँ नहीं थी, आज बहुत सारी राखियाँ आ रखी हैं। अभी मैंने राखियों की आज ही शॉपिंग कर ली है क्योंकि कल संडे था, फिर मैं नहीं आ पाऊँगी। और मैंने राखियाँ वगैरह जो है वो ख़रीद ली हैं, आप लोग भी देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ हैं। बच्चों के लिए जो लाइट्स वाली होती हैं वो भी थी, मैंने लाइट वाली भी ली है और सिंपल वाली भी ली थी, और जो धागा होता है वो भी लिया था। हर तरह की राखी जो मैंने है वो ख़रीदी है, बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ थी। राखियों की शॉपिंग है जो वो मेरी हो चुकी है। फैमिलीज हम स्कूल से मैं आ गई थी मुस्कान को लेके, और पहले मैं चली गई थी राखियाँ ख़रीदनी थी, तो मैं फिर शॉप पे चली गई। मुस्कान को भी मैं साथ लेके गई थी, सोचा चलिए रक्षाबंधन के लिए जो शॉपिंग है वो कर लेती हूँ। जो कपड़े वगैरह थे वो तो हमने पहले ख़रीद लिए हैं, लेकिन राखियाँ वगैरह भी नहीं ली थी। और राखियाँ फिर आज लेके आई थी मैं आते टाइम, और जब मैं जा रही थी तब जाते टाइम रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, बड़ी तेज़ बारिश हुई, और आते टाइम फिर रुक गई थी, तो इसलिए फिर हम चले गए। मैंने सोचा चलो आई हूँ शॉपिंग कर ही लेती हूँ, कल संडे था फिर स्पेशल निकलना मुश्किल हो जाता है और रश भी बहुत होता है, इसलिए आज जो मैं शॉपिंग है वो करके आ गई हूँ। राखियाँ वगैरह कौन सी ख़रीदी हैं वो तो अभी नहीं दिखाऊँगी, लेकिन शॉप पे जो थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। और ये मेरा था आज का छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।